हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल की क्लिनिक पे। और दोस्तों, मैं हूँ इश्ताक अहमद। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो कि ये ओप्पो A1 के है। ठीक है, ये ओप्पो का A1 के मॉडल है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी इसमें चार्ज लगाते हैं, चार्ज लगाने पर दोस्तों सिर्फ ये जो है हमारा ये चार्ज का सिंबल यहाँ पे शो करता है। ठीक है, देखिए ये सिंबल सिंबल शो करता है, लेकिन ये हमारा मोबाइल चार्ज भी नहीं होता और दूसरी बात ये हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम है हमारे इस फ़ोन में और हम आज इसी को रिपेयर करने वाले हैं और मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ठीक है, जिससे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए इसकी जो सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। और दोस्तों, इस केस में अक्सर दोस्तों हमारा जो हम ट्रेसिंग करेंगे ये हमारा बैटरी कनेक्टर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों एक बार सबसे पहले मैं अपने माइक्रोस्कोप ऑन करता हूँ जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूँ बारीकी से। ठीक है, तो ऐसा मेरा माइक्रोस्कोप और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो है मोबाइल का बैटरी कनेक्टर है और बाकी कनेक्टर मैंने कनेक्ट किया हुआ था जिससे मैंने शो के आप लोगों को दिखाया कि हमारा जो प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, और अभी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने माइक्रोस्कोप को ऑन कर लिया है और अभी ये देखिए हमारा मल्टीमीटर है और मैं इसको भी ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मेरा मल्टीमीटर है और मैं इसको जो है अभी डायोड मोड पे सेट करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमारा जो ट्रेसिंग का जो सिस्टम होगा वो होगा दोस्तों हमारा बैटरी कनेक्टर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर का दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है, ये वाला प्लस होगा हमारा और ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ये हमारा माइनस का टर्मिनल, ये हमारा प्लस का टर्मिनल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्लस वाले पे चेक करेंगे, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है प्लस का जो कनेक्शन है वो ग्राउंड शो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से ये हमारा फ़ोन शॉर्ट दिख रहा है। और दोस्तों ये तो ऑलरेडी ग्राउंड रहेगा ही, ठीक है, ये ग्राउंड रहेगा और ये हमारा जो है शॉर्ट की कंडीशन में है। और दोस्तों जिसकी वजह से हमारा ये फ़ोन जो है चार्ज नहीं ले रहा है और ये हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन भी नहीं होता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर इसमें शॉर्ट रहेगा तो ये ऑन तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसमें शॉर्टिंग कहाँ से है और क्या है। तो दोस्तों इसमें जो सिस्टम होता है इसका, हम सबसे पहले इसको जो है इसके बैक साइड हमारा यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होता है और शायद दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे इसकी चार्जिंग IC भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको जो है ये हमारा जो शील्ड है हम इसको रिमूव करते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर जो है हमारा चार्जिंग IC भी है जो कि BQ25600 से लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बार बस सबसे पहले मैं ये शील्ड को रिमूव करता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या शॉर्ट है, क्यों ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका शील्ड रिमूव कर दिया है। ठीक है, और अभी देखिए थोड़ा ठंडा होगा बोर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कोई हमारा कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अभी इसको जो है थिनर से साफ भी करेंगे और जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा वो ठंडा हो गया हमारा बोर्ड और अभी आइए इसको जो है चेक करते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है यहाँ पे। ये देखिए ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ये ओके है, ये भी रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ये भी रीडिंग दे रहा है दोस्तों, ये कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है तो ये भी दिखाएगा शॉर्ट। ठीक है, और ये कंपोनेंट हमारा
तो दोस्तों ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ले देखिए हमारा ये सारा कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे अभी इसमें, इसमें एक बार हम रोजिन का इस्तेमाल करेंगे, और रोजिन के इस्तेमाल करने के बाद फिर हम इसमें जो है वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कौन से कंपोनेंट से है या फिर चार्जिंग आईसी से है। तो इसको हम जो है अभी फाइंड आउट करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और अभी मैं इस पर थोड़ा सा रोजिन स्प्रे करूँगा, रोजिन का छिड़काव करूँगा, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है कहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा रोजिन पेस्ट है, और मैं देखिए इस पर जो है रोजिन, ये देखिए मैंने प्रॉपर इस पर रोजिन फैला दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप प्रॉपर रोजिन मैंने फैला दिया है। और अभी एक बार इसमें वोल्टेज को हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसका जो है प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक बार इसी तरह से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कनेक्ट किया और ये मैंने छुड़ा दिया, और देखिए दोस्तों हमारा कौन सा कंपोनेंट, ये देखिए हमारा ये कंपोनेंट हल्का सा मेट जैसा लग रहा है, और इसको अभी थोड़ा सा हम और करके देखेंगे कि यही प्रॉब्लम हमारा है कि कोई और है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमारा यही वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और उसके दोस्तों मुझे जहाँ तक तो श्योर है ये हमारा कंपोनेंट यही वाला गड़बड़ है, और इसको मैं दोस्तों तोड़ूंगा नहीं, एक बार मैं इसको सेफली रिमूव करता हूँ, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम यहीं से हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको जो है वापस से यहीं पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया है ये कंपोनेंट, और उसके बाद अभी हम एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट था, ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट है और यहाँ पे रीडिंग आ चुकी दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे भी रीडिंग है, और ये हमारा ग्राउंड वाला था, यहाँ पे हमारी रीडिंग आ चुकी है। तो एक बार हम क्या करते हैं बैटरी कनेक्टर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमें फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था ये हमारा प्लस का टर्मिनल है, और ये कनेक्ट होता है हमारा इससे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है जो वैल्यू आ चुकी है 330, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अभी हमें श्योर तो हो गया है, लेकिन मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ कि देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों वेट करेंगे थोड़ा सा, हमारा बोर्ड अभी हीट है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी हमारा बोर्ड जो है नॉर्मल हो चुका है, और इसको मैं वापस से मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, और ये हमारा डिस्प्ले का फ्लेक्स है दोस्तों, और ये हमारा जो है मेन पत्ता है, ठीक है, मैंने इसको भी कनेक्ट कर लिया, और ये दोस्तों हमारी बैटरी है। और दोस्तों मेरे ख्याल से बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो चुकी होगी, क्योंकि इतने दिन से शॉर्ट कंडीशन में लगा हुआ था, और हो सकता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो। तो एक बार मैं इसको भी देख लेता हूँ दोस्तों, हमारी बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखिए कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने बैटरी लगा दिया है, और अभी चार्ज को इंसर्ट करेंगे, देखिए मैंने चार्जिंग इंसर्ट कर दी है, और अभी देखते हैं हमारा रेड लोगो बन गया, देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वाइट लोगो में आ चुका है, इससे पहले ये हमारा रेड लोगो में आ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार मैं इसको ऑन भी करके देख लेता हूँ। तो मैं ये चार्जर रिमूव कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ फ़ोन को, ये देखिए हमारा फ़ोन भी ऑन हो रहा है।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।